हम लोग जब गुजरते हैं ऐसे यूं गुजरते तो इसके 200 साल बाद आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद नबी को आग लगी। इस तरह लाइटनिंग से मस्जिद नबी तीनों साइड से जल गई और गुंबद भी जल गया और कुछ अरसा इसी तरह जली भी रही, क्योंकि लोग अपने अदब की वजह से लोग अंदर ना जाते कहीं हमारी बेअदबी ना हो जाए। जब दोबारा बनाया तो उसका बनाया ये कौन सा सन हुआ था? 1886। जब दोबारा बनाया तो इसने बनाया, फिर इसी के ऊपर जो है ये बड़ा वाला गुंबद बन गया। पहले सिल्वर में रहा और बाद में इसको ग्रीन कर दिया गया, ताकि हम आपको दिखाते हैं कि तीनों कब्र हमारा किस तरह बनी हुई है। तो आ जाए जी यहाँ पे चले मेरे भाई, बिल्कुल लास्ट में चले। भाई साहब आप इधर आ जाए, उनको जगह दे मेरे भाई, थोड़े से ऐसे मेरे भाई ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो ऐसे हो जाओगे। आ जाइए आप लोग ऐसे ऐसे मेरे भाई, और हो जाओ थोड़ी सी जगह कितनी खाली, ऐसे हो जाओ। चलो चलते सब लोग है ना, अंदर आ रहे हैं, आप तो वहाँ खड़े हो मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप के साथ सब कुछ होता जाएगा। चलिए आगे चलें। तो यहाँ देखें जो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया हुजरा और गुरफे के बारे में, तो यहाँ देखें ये गुरफा है, गुरफा माने बेडरूम, हुजरा माने सहन बरामदा, इस तरफ मस्जिद नबी, ये खिड़की और ये दरवाजा। ये खिड़की जब आप बेटी को नमाज के बुलाते, ये दरवाजा जब आप आयशा के पास होते तो इस दरवाजे से जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी में एतिकाफ में बैठते तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक बाहर करते, अम्मा आयशा कंघे भी करती और तेल भी लगाती। तो यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए, इस बेड को हटा कर यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोली। तो अबू तलहा ने आप सल्लम कब्र मुबारक खोली इससे लहद के, और यहाँ पे आप सल्लम को गुस्ल दिया गया, और गुस्ल देते वक्त आपके जिस्म से कोई कपड़ा नहीं उतारा और कपड़ों के ऊपर एक गुस्ल दिया गया। दफन के तौर पर आपके जो कपड़े थे 2 या 3 आपको पहनाए गए और आपकी नमाज जनाजा इज्तिमाई तौर पर किसी ने नहीं पढ़ा, फर्द यहाँ से दाखिल होते। फिर 2 या 3 दिन के बाद इस तरह आपको कब्र में उतारा गया। तो यहाँ देखें ये तीनों कब्रें आप लोगों को नजर आ रही हैं, और यही चीज़ वे 5 कोन वाली दीवार के अंदर है, यहाँ तक ना कोई जा सकता है न जाने का कोई रास्ता है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर उनके कंधों के बराबर, तो आ जाए जी आगे खाते हैं। आज से 90 से 100 साल पुराना किस बीवियाँ थी, इतने ही कमरे थे। इस तरफ मस्जिद नबी, ये मस्जिद नबी का ये कमरा में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा, हज़रत फातिमा और उनकी बेटी हज़रत नबी सुज़ैमा जो फातिमा की सलाम को दिया गया, बाबे जिब्रील, हज़रत नबी जैश, हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा, ये तमाम अज़वाज मुतहररात के कमरे इस। तो आती जी आगे हम आपको दिखाते हैं आज से 90 से 100 साल पुराना किस तरह मदीना मुनव्वरा का शहर। जी मेरे भाई ये असाबे सिफ़ा मेरे भाई, आप लोग पर्स आगे हो जाए, और इस तरफ मस्जिद नबी, ये मस्जिद नबी की दीवार, ये अस्हाब ये कमरा में आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा, हज़रत फातिमा और उनकी बेटी हज़रत नबी सुलेमान जो वफ़ात पा गई उमर सलाम को दिया गया, बाबी जिब्री, हज़रत नबी जैश, हबीबा, हज़रत सफ़िया इस मस्जिद के दरवाजे सुबह फजर के बाद इसके दरवाजे खुलते और ईशा के फौरन बाद ये बंद किए जाते थे। आज आप जितनी मस्जिद नबी देख रहे हैं ये पूरा का पूरा शहर मस्जिद नबी के अंदर आ गया। ये फौजी किला था, ये मनाखा बाजार था, ये फौजी छावनी थी, ये मिस्री सफारा था। आज से 100 साल पहले ये रेलवे लाइन जो तुर्की और शाम शिया की तो यहाँ पर फैल गया थी, आज ये स्टेशन बाकी रेल की पटरी खत्म हो चुकी है। उस वक्त जो बकी थी शहर से दूर थी और जो हिस्सों में थी आज बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब, एक हिस्सा ये था यहाँ पे आप सबकी थी और इसमें आप लोग आज वो एक बन। तो आते जी आगे हम आपको दिखाते हैं जिन्हें भी आप लोग बाहर की तरफ चले। अरबी में
اس میں آپ کو ساری کی ساری معلومات مدینہ منورہ کے بارے میں دی جائے گی. سر اردو میں ہے یہ؟ اردو میں نہیں ہے میرے بھائی، یہ انگلش اور عربی میں. جیسے یہ دکھایا گیا ہے مدینہ کی نہریں، یہ نہروں کے بارے میں سب سے پہلے جو آپ کو بتایا جائے گا، مسجد نبی کے بارے میں، آپ سب کی قبر مبارک کے بارے میں، صحابہ کرام کے گھروں میں، گھروں کے بارے میں، جنگوں کے بارے میں، نہروں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، بقیع کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں، جنگ خندق کے بارے میں، آپ کو اس میں ساری کی ساری معلومات دی جائے گی. اس میوزیم کے مالک کو کنگ نے اوارڈ بھی دیا ہے، تو یہ دیکھیں میوزیم کے مالک جو ہے کنگ سے اوارڈ لے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ میوزیم کے مالک ہیں جن کا نام ڈاکٹر عبدالعزیز کاکی ہے. اور دوسری یہ کتاب ہے، یہ کلچر کے بارے کی بک ہے. مدینہ منورہ کا شہر تھا، یہ آپ کو کلچر کے بارے میں بتایا جائے گا. جیسے یہ مختلف پکچر ہے، اس میں آپ کو اس پکچر اس کی تھوڑی سی معلومات دی جائے گی. مد اور سا، یہ مد ہے، اتنے پانی کی مقدار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو فرماتے تھے ایک سے، اس کے چار بھرو ایک سا بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی کی مقدار سے غسل فرماتے تھے. سائز جو ہے اوریجنل سائز ہے، یہ برتن ہم نے کاپی بنایا، چار مد کا ایک سا بنتا ہے. اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور اتنے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں. باقاعدہ آپ کو سند بھی ساتھ دی جائے گی، مد اور سا کی ایک ہی سند ہے. اور یہ سند ہے، یہ اس کی سند ہے، جو بھی خریدے گا آپ کو سند کے ساتھ دیا گیا. اور یہاں پہ آپ لوگوں کا ٹور ختم ہوتا ہے، باقی آپ لوگ اندر جائیں، گھومیں پھریں، ویڈیو پکچر بنا سکتے ہیں.